नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए HP पुलिस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में, आपको ये फाइंड आउट इन करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस ये ढूंढना था, और स्टेटमेंट थी माय फादर डील विद गारमेंट्स, डी जो था उसका था नो एरर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए था ये माई फादर, ये बिल्कुल सही था इसका। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर टू जो था नॉलेज ऑफ, ये स्टेटमेंट वन ए थी। और उसके बाद एट लीस्ट टू लैंग्वेज बी था, उसके बाद आर रिक्वायर्ड टू पास था एग्जामिनेशन सी था, और डी था नो एरर। तो इसको आपने इनकरेक्ट जो इसमें वो आपको ढूंढना था सेंटेंस। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था What will be past indefinite tense of I play cricket? ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर थ्री था। और इसका जो राइट आंसर था वो था I played cricket, ये सही था बिल्कुल। अब जो क्वेश्चन नंबर फोर था choose the correctly spelled word, ये आपको ढूंढना था इनमें से जो सही है वो आपको निशान लगाना था या मार्क करना था उसको। तो क्वेश्चन नंबर फोर था तो इनमें से आपको सही स्पेलिंग जो एल्युमिनियम की वो आपको बतानी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल सही है, ये एल्युमिनियम की स्पेलिंग। तो अगला जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेबिट इज कॉल्ड, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स था और फिफ्थ था, और फिफ्थ का जो राइट आंसर था वो डी बिल्कुल सही था। और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है द पैसेंजिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक From one generation to another is known as, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर सिक्स था। और सिक्स जो सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स था इसका जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल सही था। अब जो मेन है आपका ये, आप इसको ये मत देखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, आप ये देखिएगा जो भी तैयारी कर रहे जो भी भर्ती देंगे उसमें ये देखिएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आती है। HP GK का अगर आप तैयारी कर रहे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपसे यही कहूँगा कि आप उसकी तैयारी करना छोड़ दीजिएगा, जो जानकारी उसमें आएगी जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उतना तो आप जानते होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर सेवन से नाइन तक थे डायरेक्शन से इसमें बताया हुआ है, और चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फॉर्म मीनिंग ऑफ द आइडम्स फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे थे ABCD, और जो पहला क्वेश्चन था टू डाई इन हार्नेस, तो ये इसका आपको बताना था मीनिंग कि टू डाई हार्नेस का क्या होता है। तो जो सी है ये बिल्कुल टू डाई वाइल इन सर्विस, ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका इसका था ए कुक एंड बुल स्टोरी, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर एट है, और एट का जो डी है ये लाई बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था टू मिस द बस, तो क्वेश्चन नंबर नाइन था और इसका आपको आंसर बताना था। तो जो इसका ए है बिल्कुल सही था, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल सही था। अब जो इसमें कुछ क्वेश्चन है आगे पीछे हो गए तो वो आप उनको देख लीजिएगा, ये उसी प्रकार की PDF बनी हुई है। क्वेश्चन था 19 और 10, 11 से 18 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आगे मिल जाएंगे। तो 80 क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, तो जो पहले क्वेश्चन आपको आ चुके हैं उन्हीं से आप ये समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और कोशिश करेंगे हम आपको कि जो उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है मीन्स की जो PDF में फाइल हो, ये खुद की मेरे दोस्त ने किसी ने भेजी है तो वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो मिलन का विलोम क्या होता है ये आपको बताना था। तो इसका जो मिलन क्या होता है, विलोम मीन्स उल्टा क्या होता है, तो ये बिरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था अध चल गगरी चलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, इसका राइट आंसर था। और क्वेश्चन नंबर आपको 21 था, ये पूछा गया था समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा, तो 21 का जो निवारण है ये बिल्कुल सही था क्वेश्चन नंबर 21 का। अब जो कुंजर का पर्यायवाची क्या है ये आपको बताना था। तो कुंजर का पर्यायवाची शब्द क्या है इनमें से, क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका बी गज, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23 बिल्ली के बागो छिक्का टूटा का अर्थ है, बिल्ली के बागो
छीका टूटा का क्या अर्थ है ये आपको बताना था। और 23 जो क्वेश्चन नंबर है इसका जो राइट आंसर है वो है आने वाला दुख, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इसका भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 था सारी फसल बाक्यास में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, मीन्स कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन आगे हिंदी के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे मुहावरे और ये विशेषण वगैरह, और बाकी भी आगे हम बताते हैं आपको कि और क्या क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल सही था, परिणामवाचक। और विलोम शब्द छांटियन में से उत्कर्ष का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो ये आपको बताना था, 25 का जो राइट आंसर था वो आपको देना था। तो 25 का राइट आंसर है डी अपकर्ष, ये उत्कर्ष का अपकर्ष बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26, और इसके बाद हम आपको एक अलग से 2015 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उस तारा में तो उनके क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर एक ये आ रहा है, उसके बाद एक और है वो आपको हम दे देंगे और आज या कल तक वो क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 26 था और इसका आपको आंसर बताना था। 26 का था इनमें आपको बताना था भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो 26 का जो राइट आंसर था वो सी बिल्कुल सही था, मिठास। और क्वेश्चन नंबर था 27 आहार शब्द का विपरीत शब्द क्या है, मीन्स कि उल्टा क्या है इसका आपको बताना था, इसके विपरीत क्या आहार के वो आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर था 27। और जो डी है ये बिल्कुल सही होगा, निराहार। और जो अगला क्वेश्चन था आपके लिए शुद्धि वर्धनी का चयन करेगा, तो 28 का जो आपको आंसर देना था तो शुद्धि वर्धनी निरीक्षण का ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपके लिए पूछा गया था क्वेश्चन 29 जो क्वेश्चन नंबर शुद्ध संधि का चयन करेगा, परीक्षक की संधि क्या होगी वो आपको बताना था, तो 29 का जो राइट आंसर था वो बी परिधन इक्षक, ये बिल्कुल सही था परीक्षक। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है ये आपको बताना था 30 से, जो क्वेश्चन नंबर 30 इसका आपको आंसर देना था, तो 30 का जो राइट आंसर था वो डी बिल्कुल सही है, ये धनवती बिल्कुल सही है। वे एक बहुवचन है तो ये आपको बताना था, 31 क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है 31, और इसका जो राइट आंसर आपको देना था तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर था 32, और 32 का आपको राइट आंसर देना था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर था 32 और इसका जो राइट आंसर था ये ज्योत्सना बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इलेक्शन आ रहे हैं और क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए रिपीट हो ये, तो आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका आपको पता होगा 25 जनवरी को हर वर्ष ये मनाया जाता है, पहली बार भारत में चुनाव हुए थे, वोट पड़े थे। और चंद्रताल झील के जिले में, इस प्रकार से आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे हिमाचल जीके के, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं उसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे, HPPSC और HPSSC की तरह आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मीन्स के इतने टफ क्वेश्चन ही आएंगे कि कौन सा राज्य का हमारा था या फिर आपको पता किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। अगला क्वेश्चन चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है, तो सभी जानते हैं कि कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर भी लाहौल स्पीति होगा। और कांगड़ा बधु एक चित्रकला कृति है ये आपको बताना था, तो राइट आंसर इसका जो था 35 का वो बी सरदार शोभा सिंह की, ये बिल्कुल सही है। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है ये आपको बताना है, तो ये आपको बताना, भारत रत्न मिला नहीं है, और बाकी जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं तो नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था, ये दलाई लामा आपको पता है कब आए थे चाइना से। और अगला है सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन है, बार बार फॉलो करने का ऑप्शन आता है इनके नाम के सामने, इस बार शायद ये पूछ ले कि व्हाट्सएप का संस्थापक कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में डैश नाम से जाना जाता था ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 38 था, और 38 का जो था ये वाइल्डर फ्लावर हाउस हॉल, ठीक है ये बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो ये आपको बताना था 39 का,
तो 39 का जो राइट आंसर है वो बी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 40 और क्वेश्चन था कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है, कि आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर था 40 और इसका जो राइट आंसर था वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो NTPC ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन जो था इसका कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, मीन्स की पर में जो इसका एक होते स्थायी सदस्य और एक होते अस्थायी सदस्य, तो 5 देश जो है वो स्थायी सदस्य है और इनमें से कौन सा नहीं है, तो भारत नहीं है। अगर होता तो शायद वो मसूद अजहर वगैरह के जो केस वगैरह जो अभी चला हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी उनको घोषित करना है, उसकी वजह से चाइना ने फिर भी टॉप पावर का यूज नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 10 जो पीछे छूट गया था वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आई हैव बीन लिविंग हियर -2019, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर था वो बी बिल्कुल सही था। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 था सी फेल प्रे -मलेरिया, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 था और 11 का जो डी था ये बिल्कुल सही था, 2 बिल्कुल सही था, आर्टिकल इसमें आएंगे। और रोहन इज गुड -मैथमेटिक्स, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 था और इसका जो राइट आंसर था वो आपकी स्क्रीन पर है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 था और इसका आपको आंसर देना था, 13 का जो राइट आंसर था आपका ए बिल्कुल आर्गुमेंट, ये बिल्कुल सही था। अब जो ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ये आंसर इसके ऑपोजिट क्या आएगा तो ये आपको बताना था। तो 14 का जो राइट आंसर था वो आपसे पूछा गया था और 14 का जो राइट आंसर है वो है एक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है। अगला जो क्वेश्चन था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स पैसेज ऑफ द एयर इज नोन आइज इज नोन एज, तो ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था इसका आपको राइट आंसर देना था और जो बी है इसका बिल्कुल सही है। विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ डाइजेस्टर, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर जो 16 था ये आपसे पूछा गया था और 16 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अब जो पीछे क्वेश्चन रह गए थे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे, हिंदी में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर था 17, इसमें आपको बताना शुद्ध संधि का चयन करेगा, आकृष्ट का आपको बताना था शुद्ध संधि, और 17 क्वेश्चन नंबर है इसका और इसको आपका आंसर देना था, तो ये बिल्कुल सही होगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सी। और अगला था प्रलय का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 18 था और 18 का सी बिल्कुल सही है। अब इसमें मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे आपको और किस प्रकार से आएंगे वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किसी दोस्त ने भेजा है, तो हमारे लिए पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो जिनका पहले एग्जाम हो चुका था उनके द्वारा ये क्वेश्चन पेपर भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर था 63 और 63 का आपको क्वेश्चन पूछा गया था, राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपरी से 9वां और तथा नीचे से 38वां है, तो उसके कक्षा में कुल कितने छात्र है, आपको ये बताना था। तो आपको इसमें बताना था 63 का जो राइट आंसर था वो आपको देना था, तो 63 का जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। अब कैसे होगा आपको ये पता लगाना पड़ेगा। तो मैथ के क्वेश्चन आ रही, यदि किसी भाषा में रेस बराबर ये 4793 पैक्ट 1795 फोर्स 16493 लिखा है, तो उसकी भाषा में रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर था 64 और 64 का जो सी है ये बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हम आपको सिर्फ ऐसे ही बता देते मैथ के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, बाकी हम इसको भी सॉल्व कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था 65 और इसका जो राइट आंसर था वो डी बिल्कुल सही था। और इसके बाद जो साइंस के क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको, निम्नलिखित में से किस मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना था मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसको आपको आता होगा पीयूष ग्रंथि, ये बिल्कुल सही है।
नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? तो कॉर्निया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आंख नहीं निकाली जाती है, कॉर्निया निकाला जाता है, दिया जाता है, दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 था और इसको आपका आंसर देना था। 68 का जो राइट आंसर था ये बिल्कुल सही था। अगला फिर साइंस का क्वेश्चन था, ये आपको बताना था इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इनमें से आपको बताना था तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? नाई द्वारा बाल काटना और ब्लीचिंग, और रेशमी कीड़ों द्वारा शहतूत के पत्तों को रेशम में परिवर्तित करना, या ऊन का हथना। ये आपको बताना था 69 का जो राइट आंसर तो आपको देना था, तो ब्लीचिंग जो है ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ये आपको बताना था तो प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर था 17 और 17 ये दूरी बिल्कुल सही आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर था 71, यदि ए अनुपात बी बराबर, ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी का अनुपात 4:5 है, तो सी का अनुपात क्या होगा? ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 71 था तो ये 15:8 ही बिल्कुल सही था। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण इम्यूनिटी प्रदान करता है? ये आपको बताना था। 72 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना था, तो बी जो है इसका ये WBC ये बिल्कुल सही है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना, 73 का आंसर बताना था, तो ये आपको पता होगा NaHCO3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर ये 74 था और कंप्यूटर से आया था। 74 जो क्वेश्चन नंबर है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और URL से तात्पर्य है जो आपकी स्क्रीन पर या कंप्यूटर पे, पीसी पे, फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जहाँ भी आप नेट चलाते हो उसमें URL होता है। आपको पता होगा कि मैं HTTP www एक तो वेबसाइट के कोड है पर जो URL है इसका फुल फॉर्म क्या था, तो ये आपको बताना था। 74 का जो राइट आंसर था URL का आपको बताना था, इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये बिल्कुल सही था इसका। तो URL 74 का जो राइट आंसर ए बिल्कुल सही है इसका। और यदि 18 ये जो क्वेश्चन नंबर 75 है इसका आपको आंसर देना था 75 का, तो इसका डी आपको बिल्कुल सही आएगा इसका, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर था 76 और 76 का जो ए था ये नाइट्रोजन इसका मुख्य घटक है वायुमंडल का। और अगला जो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था 77 ये क्वेश्चन नंबर है और क्वेश्चन था एक बैग का अंकित मूल्य 80 रुपये है परंतु इसे 68 रुपये में बेचा जाता है, इस बैग में कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया जा रहा है? ये आपको बताना था, 80 रुपये में तो 68 रुपये में बेचा जा रहा है, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर जो 77 था और इसका आपको आंसर देना था, 15% ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 78 ये आपको आया था, ये गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है? ये आपको बताना था, गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर था 78 और इसका आपको बताना था, तो भोजन में पाचन में ये सहायता, और क्वेश्चन नंबर ये 78 था। अब जो क्वेश्चन नंबर था 79 ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और इसका आपको आंसर देना था, तो क्वेश्चन था हेपेटाइटिस किसका पर्दा है ये आपको बताना था, तो क्वेश्चन नंबर था 79 और 79 का जो आपको राइट आंसर है बी बिल्कुल सही है। और अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर था 80 और पूरी जानकारी के लिए आप आगे थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिएगा, कुछ हम आपको बताएंगे वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर था लास्ट 18 और यदि किसी घर में मूल्य घर के मूल्य में मूल्य के 2/7 का हिस्सा है, ठीक है, ये दो इस प्रकार से ये हिस्सा की कीमत 28,000 रुपये है तो पूरे घर की कीमत क्या होगी? मीन्स कि एक घर है ये जिसका दूसरा 2/3 हिस्से की कीमत 28,000 रुपये है तो घर की कीमत क्या होगी आपको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 80 था और इसको इनमें से कोई नहीं ही बिल्कुल सही था। इस प्रकार से भी आपको इस क्वेश्चन आएगी एग्जाम में और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी हम आपको दे देंगे।
अब जो मेन है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अब जो मेन है कि आपको किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो वो हम आपको बता देते हैं। लास्ट में आपने पूरी वीडियो देखी होगी, क्वेश्चन एक कुछ आगे पीछे हो चुके हैं, मीन्स कि जैसे 9 तक जो पहले क्वेश्चन थे वो आपकी स्क्रीन पर आ गए, उसके बाद फिर 30 से आए, फिर उसके बाद हिंदी आ गई, उसके बाद फिर वही शुरू हो गए। मेन बताने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे, पहले तो आपको इंग्लिश के नॉर्मली क्वेश्चन आपको आएंगे, आर्टिकल हो गए, आर्टिकल क्या होते हैं आपको पता होगा, और जो आपके ये आइडम्स वगैरह पूछे गए थे आपसे, इस प्रकार से करेक्ट जो वर्ड आपको करने पड़ेंगे, जिनकी आपको स्पेलिंग गलती होगी वो आपको स्पेलिंग उनकी सही करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें कुछ पूछे जाएंगे, हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर है हो सकता है इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो जो बीत चुका है हमारे लिए वो हिस्ट्री अब, और जो होना है वो हमारे लिए करंट अफेयर है, या जो घट रहा है वो करंट अफेयर है, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैंने बता दिया हिस्ट्री इंग्लिश के आपको एक जो भी एक क्वेश्चन आएंगे इसमें, उसके बाद जो अगले आएंगे आपको हिंदी के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। और जो थर्ड पे थे वो आपको बता दिया हमने कि इसमें हिंदी के और जो करंट अफेयर के इसमें मिक्स थोड़े से क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जो उसका क्वेश्चन पेपर जो हमने स्टडी किया उस पर भी हमने पूरी जानकारी ली और समझे कि पूरे इसको कंपैरिजन किया कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, ये करंट अफेयर और मिक्स जो हिंदी के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इसमें से, और उसके बाद आपको आएंगे साइंस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन आपको पता है किस प्रकार से आते हैं, जो आपके फॉर्मूले वगैरह और ये कौन सी दवाई मेडिकल के क्वेश्चन इसमें से आपको आएंगे, और जो हिमाचल की हिस्ट्री है उससे आपको, या हिमाचल के जेके जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन आपको हिमाचल जेके के आएंगे। पहले हमने आपको बताया था नहीं आएंगे, परंतु क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो ओल्ड है, इसमें चेंजिंग हुई थी कुछ, और एक क्वेश्चन पेपर और है वो हम आपको अगला पार्ट बहुत जल्द देंगे उसका। तो पहला क्या आएगा, आपको इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, करंट अफेयर और मिक्स हिंदी इसमें होगी, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको आएंगे, और कंप्यूटर के साथ साथ ये जिस प्रकार से ये दवाइयों के और मैथ के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो मैथ के भी आपको क्वेश्चन आएंगे, तो 6 तरीके और रीजनिंग जो है आपकी उसको आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा। बाकी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए कोशिश करेंगे, हमारे पास ये सोल्व क्वेश्चन पेपर नहीं था, इसको सोल्व करने में कुछ टाइम लग गया, क्योंकि हम आपको कुछ जानकारी में गलत नहीं बताना चाहते थे। तो जो भी क्वेश्चन थे इसके 80 क्वेश्चन आपको हमने बता दिए, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी आप हमें कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना रिस्पॉन्स हमें देते रहिएगा। जब तक पुलिस की भर्ती अभी ऑनलाइन अप्लाई आप लोग कर रहे हैं 30 अप्रैल तक, तो 30 अप्रैल में अभी बहुत टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम और है, और जब तक ये भर्ती होगी तब तक आप हमारे साथ जुड़िएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उनको आप देखते रहिएगा, और आपके लिए हम जो भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है मेंस की इसी तरह के क्वेश्चन वो हम आपके लिए लाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी वो जो है अच्छे से हो सके। क्योंकि मैंने देखा है अभी 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, और आप लोग सोचेंगे कि बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। आप जो आपके घर के पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कॉलेज के पास इंस्टीट्यूट, या फिर ITI के पास इंस्टीट्यूट, जो भी इतने भी इंस्टीट्यूट है वो अब आपकी स्क्रीन पर, या आप जहाँ भी पब्लिक होती है वहाँ पर अपने पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारे पास पुलिस की कोचिंग दी जा रही है, या पुलिस की जो आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा, अगर आप लोग पढ़ते हो तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है पुलिस की भर्ती के लिए, वो भी एक कॉन्स्टेबल की। तो जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग पढ़ते नहीं है फिर उनको कोचिंग क्या बहुत कुछ लेना पड़ेगा। तो पढ़ने वालों के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग हमारे साथ बनिएगा, फ्री में सब कुछ हम आपको इस चैनल के जरिए उपलब्ध करवा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम जितना भी लोग हमसे जुड़े हुए उनको बेस्ट तरीके से, और जो भी है हमारे पास नॉलेज है इस चैनल के लिए, और जो भी हम तहसीलदार से या फिर एलाइड के या HS के ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं, उनको आप देखा करिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो उसको हाई करिएगा। उसके बाद अगर मन के हारे हार है और
मन के जीते जीत ही आपको याद होना चाहिए और याद आपको रखना चाहिए कि जिसका मन जीतता है वो दुनिया जीत चुका है और जिसका मन हार चुका है वो दुनिया हार चुका है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।